Respected parents and dear students, good morning all of you. Students, how are you? I hope you will be fine at home and studying properly at home because due to lockdown we cannot attend the school. So today we will start our fourth poem, The Lake Isle of Innisfree by William Butler Yeats. Students, इस पोएम में जो पोएट हैं वो इनिस्फ्री जाना चाहते हैं. इनिस्फ्री इज अ सिंपल एंड नेचुरल प्लेस, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. तो पोएट इनिस्फ्री जा करके रहना चाहते हैं. वो वहाँ एक छोटा सा केवन, एक घर बनाना, रूम बनाना चाहते हैं जिसके पास वो बी हाइव, हमारी बुक का क्या नाम है, बी हाइव, तो मधुमक्खी का छत्ता, हाइव मिस छत्ता और बी मिस मधुमक्खी, मधुमक्खी का छत्ता बनाना चाहते हैं. और वहाँ पर वो बीन्स की, जो बीन मिस सेम होता है वैसे यहाँ पे, तो बट अब हम यहाँ पे उसको बोलेंगे कि बीन मिस फूड, वहाँ पे फूड उगाना चाहते हैं जिससे कि वो वहाँ पर आराम से रह सकें. एंड जो ये इनिस्फ्री है, इसके पास जो लेक है, इसके पास जो लेक है उसके पास एक रूम बनाएंगे. उसमें जो लेक का वाटर है जो कल 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 की आवाज़ करेगा, उससे वो म्यूजिक सुनेंगे और वो बहुत ही पीसफुली वहाँ पे रहना चाहते हैं. So now we will start our poem by line by line. I will arise and go now and go to Innisfree. I will arise, मैं उठूंगा. उठने का मतलब poet is saying here that he will get up, वो अब उठेंगे. Go now, अभी जाएंगे. Poet यहाँ पे उठेंगे और जाएंगे. And go to Innisfree, और कहाँ जाएंगे, Innisfree island पे जाएंगे. And a small cabin build there. Cabin means room. और वहाँ पे एक छोटा सा रूम बनाएंगे. Of clay and wattles made. Clay means मिट्टी, जिससे बच्चे आप खेलते हो और उसी से. And wattles means जो जिससे वो हट नहीं बनती है, झोपड़ियाँ, जो ऐसी वाली जो लकड़ी होती है उससे, wattles made, उन लकड़ियों से एक छोटा सा रूम बनाएंगे. So poet is saying that he will get up now and go to Innisfree and made a small room with clay and wattles. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee love glade. 9 bean rows, no rose wire. जो पोएट है वो नौ रोज उगाएंगे. किसकी, बीन की. बीन मीन्स जस्ट सेम होती है वैसे तो, बट यहाँ पे फूड है तो फूड की जो फसल उगाएंगे वो. एंड आई विल, आई हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बी, और हनी बी मधुमक्खी का छत्ता वहाँ पे लगाएंगे वो पेड़ों पर, जिससे कि वो शहद ले सकें. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और यहाँ पे इसलिए भी उगाएंगे वो, लगाएंगे वो छत्ता, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ हैं वो जब बिन बिन की आवाज़ करती है तो उससे एक म्यूजिक क्रिएट होता है जिसको वो वहाँ पर पीसफुली रह करके सुनेंगे. एंड लिव अलोन, और अकेले रहेंगे इन द बी लाउड ग्लेड, उस ओपन प्लेस पर, उस खुले स्थान पर वो अकेले रहेंगे. और हनी बी के जो बीज हैं उनकी जो म्यूजिक है, उनसे जो निकलने वाली आवाज है उसको पीसफुली सुनेंगे. ओके, नाउ कंटिन्यू अवर सेकंड स्टेंजा. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. And I shall have some peace there. He will have some peace there. He is saying that वो वहाँ जाएगा और इनिस्फ्री में रहेगा, एक छोटा सा केबिन बनाएगा, तो वहाँ पे शांति होगी, कोई बिल्कुल शांति का वातावरण होगा, कोई चहल पहल, कोई कोलाहल नहीं होगा, तो वहाँ बिल्कुल शांति से रहेगा. और पीस कम्स, क्योंकि जो पीस है वो धीरे धीरे आएगी, ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे आएगी. And dropping from the veils of the morning. Dropping means आना, और veils means पर्दा. जो क्रिश्चियन मैरिज देखी होंगी आपने, जो वो लेडी होती है तो वो आगे तक और पीछे तक, जो यहाँ तक उसका वो
जो वाइट कलर का जो दुपट्टा लटका हुआ होता है और आगे भी उसका फेस पूरा कवर होता है, तो वैसे वेल हटा करके, पर्दा हटा करके जब मॉर्निंग सुबह सुबह आएगी टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. क्रिकेट इज नॉट अ गेम हेयर. क्रिकेट मीन्स लाइक ग्रास ऊपर जो क्रिकेट होता है वो एक इंसेक्ट होता है. तो जहाँ पे क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट गाना गाएगा, सॉन्ग सिंग करेगा, जहाँ पे क्रिकेट गाना गाते होंगे उनकी आवाज में सुनकर पीसफुली वहां पे रहूंगा. देयर मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर्स एंड नून आ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स. देयर मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर, जहाँ पे जो आधी रात होंगी, जो रात का जो समय होगा वो ग्लिमर एकदम शाइनिंग होंगी, चमकदार होंगी. एंड नून और दोपहर कैसे होंगी, अ पर्पल ग्लो, पर्पल कलर. एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और जो इवनिंग होगी, शाम होगी, वो लिनेट्स के विंग्स से भरी हुई होगी, फुल होगी. मीन्स लिनेट इज अ बर्ड नेम, जो सिंगिंग बर्ड होती है. और जब वहाँ पे बहुत सारी लिनेट्स उड़ेंगी तो, और वो सिंगिंग करेंगी, तो पोएट एक म्यूजिक, वहाँ पे एक म्यूजिक क्रिएट होगा जिसको पोएट सुनेगा. और ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट अवर थर्ड स्टैंजा. आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore while I stand on the roadway or on the pavement's grey. I hear it in the deep heart's core. I will arise. He again repeated the line. I will arise. Main poet up, get up. He arise means again I am saying get up. He poet up uthenge. एंड गो नाउ, और अभी जाएंगे. फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और वहीं हमेशा के लिए बस जाएंगे. अब वो रात दिन वहीं रहेंगे हमेशा. रात मीन्स नाइट एंड डे मीन्स हमेशा के लिए वहीं चले जाएंगे. ऑलवेज आई हियर द लेक वाटर, और जो पोएट है वो वहाँ पे लेक वाटर की जो कलकल, जब लेक में वाटर गिरता है तो कलकल की आवाज होती है, तो लेक में जो वाटर गिरेगा उसको लैपिंग मीन्स कलकल की आवाज जो होती है, विद लो साउंड्स बाय द शोर, जो कलकल जो पानी है बह बह फ्लो करके जो आगे आ जाता है, किनारे पर आ जाता है और थोड़ा बाहर भी निकल जाता है, तो उससे जो आवाज़ होती है उसको पोएट वहाँ पे बैठ करके सुनेंगे. वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, और जब पोएट कहते हैं कि जब वो रोड के किनारे खड़े हुए होंगे, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या पेवमेंट्स जो कच्ची सड़कें होती हैं, तो पेवमेंट पर खड़े होंगे. आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, जब तो कहते हैं कि मैं डीप हार्ट्स मीन्स इनर मोस्ट ऑफ द सोल, अंतर आत्मा से, बिल्कुल अंदर की आवाज से, दिल की आवाज से सुनेंगे इसको, जो गाने को, जो लिनेट्स के सॉन्ग हैं या जो लेक वाटर है, इन सबको दिल की आवाज से सुनेंगे. एंड ही विल परमानेंटली लिव इन द इनिसफ्री. ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम वेरी वेल. एंड मुझे लगता है कि अब आपको क्वेश्चन आंसर्स करने में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी. सो स्टे होम, स्टे सेफ.